हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर की सीरीज में पार्ट 18, जिसमें हम 3 मई से लेकर 9 मई तक के सारे करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या अपडेट्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर हमारे 2 पेजेस के QR कोड हैं, डिस्कशन पेज और ऑफिशियल पेज। ये दोनों पेज के QR कोड स्कैन करके आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सारे PDF और SSC की इम्पोर्टेंट अपडेट्स की डिटेल हम देते हैं। और आई होप आप सभी लोग करंट अफेयर्स पैरेलली पढ़ते रहे होंगे, क्योंकि हमने अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिए हैं चैनल पर। आप सभी ने अभी तक सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पर जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और सारे करंट अफेयर्स के पार्ट आप लोग कवर कर लें, क्योंकि आने वाले मंथ्स में एग्जाम हो सकता है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का, और एक साथ करंट अफेयर्स करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए हमारा सजेशन है कि आप सारे पार्ट्स को कवर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2021 द यूएस हैज प्लेस्ड विच कंट्री ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर द लैक ऑफ सफिशियंट मेजरेबल इम्प्रूवमेंट टू इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड न्यू चैलेंजेस। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने लंबे समय से चली आ रही और नई चुनौतियों पर अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त औसत दर्जे के सुधार की कमी के लिए किस देश को प्राथमिकता घड़ी सूची में रखा है? तो यहाँ पर यूएस जो है कुछ कंट्रीज को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में प्लेस करता है, मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं उनको वो इस लिस्ट में रखता है। तो उस कंट्री को जैसे रिसेंटली अभी यूएस ने रखा है उसका नाम बताना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए। यहाँ पर इस बार से हम टाइमर भी आपके लिए रख रहे हैं, जिसमें 15 सेकेंड का टाइमर रहेगा। आप गैस कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। यूएस ने जिस कंट्री को अभी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है उसका नाम है इंडिया। तो आप लोग इसका आंसर याद रखें। अब बाकी हम यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं और यूएसए के भी जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू बी ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, USTR इसको बोलते हैं, फॉर लैक ऑफ एडिकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट। द USTR सेट इन इट्स एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। USTR हर साल अप्रैल में एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट देता है, जिसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जिस कंट्रीज को रखना पड़ता है उसकी लिस्ट डिसाइड होती है। तो USTR ने बुधवार को जारी अपने वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट में कहा कि पर्याप्त बौद्धिक संपदा IP अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की कमी के कारण भारत संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि USTR की प्राथमिकता निगरानी सूची में बना हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया को एज इट इज रखा गया है। इसके बाद नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि है बेल्जियम की कैपिटल। हैज लॉन्च्ड मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंडर यूरोप 21 इन अल्बानिया। कहाँ पे हुई है ये स्टार्ट? अल्बानिया में, विद थाउजेंड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि डिफेंडर यूरोप 2021 जो एक्सरसाइज है ये US स्टार्ट करता है, लेड बाय कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, और ये लॉन्च की है नाटो ऑर्गेनाइजेशन ने अल्बानिया कंट्रीज में, जहां पर यूएस के साथ साथ अदर कंट्रीज की मिलिट्री फोर्सेस आकर एक्सरसाइज करेंगी। तो यहां पर हिंदी में इसको एक बार देख लेते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप शुरू किया है। अब यहां पर यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए की कैपिटल है यहां पर आपको पता होगा Washington DC, और यहाँ की जो
करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, वर्ल्ड फेमस करेंसी है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो पहले कैपिटल देखते हैं, लंदन यहाँ की कैपिटल है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन मई 2021 इंडिया एंड यूके साइन एन अकॉर्ड ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। मई 2021 में भारत और यूके ने प्रवास और गतिशीलता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया और यूके ने अभी किस पैक्ट पर साइन किए हैं, वो है माइग्रेशन और मोबिलिटी पर। इसके बाद एक और पॉइंट है, द 47th G7 समिट विल बी हेल्ड इन जून 2021, द यूके इज द होस्ट कंट्री। 47वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 में आयोजित किया जाएगा, यूके, ब्रिटेन इसका मेजबान देश है। अब G7 की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले G7 का 47th एडिशन है और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है कहाँ पर, यूके में। G7 में कितनी कंट्रीज आती हैं, G7 में कंट्रीज आती हैं, इसकी एक ट्रिक है, ऑल दे हैव इज जूस एंड हैव गर्लफ्रेंड, जूस गर्लफ्रेंड। तो इसमें हम इसको पढ़ लेते हैं, जापान, यू से है यूएसए, आई से है इटली, सी से है कनाडा और यहां पर ई से है इंग्लैंड, जी से है यहां पर जर्मनी और एफ से है यहां पर फ्रांस। तो यहां पर इस ट्रिक से आप G7 कंट्रीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बारे में आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो है रियाद और यहां की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। इसके बाद यहां पर हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज सऊदी अरेबिया हैज लॉन्च द सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। सो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन इनिशिएटिव हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है, वो है सऊदी अरेबिया। टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सऊदी अरेबी ने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सऊदी अरेबिया रिसेंटली अनाउंस डेट इट इज टू ज्वाइन कैनेडा, यूएस, कतर एंड नॉर्वे इन फॉर्मिंग द नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की कि वह नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में कैनेडा, अमेरिका, कतर और नॉर्वे के साथ शामिल होगा। तो यहाँ पर नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम बेसिकली क्या है, इसका मतलब होता है वो कंट्रीज जो ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करती हैं, वो कंट्रीज जो हैं वो उनके प्रोडक्शन के बाद जीरो एमिशन पर टारगेट करती हैं, तो इसको बोलते हैं नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। तो इसमें अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ऐड हुआ है। हमारा एक और ऑप्शन था यहाँ पर जापान। जापान की कैपिटल आपको पता होगी टोक्यो, यहाँ पर अभी ओलंपिक होने वाला है और जापान की जो करेंसी है वो है येन। जापान के बारे में पढ़ते हैं, जापान हैज साइंड द एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA मिलिट्री पैक्ट विद इंडिया। जापान ने भारत के साथ अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते ACSA सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट जो कि साइन किया है जापान ने इंडिया के साथ। इट विल अलाउ आर्म फोर्सेस ऑफ बोथ साइड्स टू कोऑर्डिनेट क्लोजली इन सर्विसेज एंड सप्लाईज। यह दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों को सेवाओं और आपूर्ति में निकटता से समन्वय कराने की अनुमति देगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इन मई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज प्लान टू प्रोवाइड ओवर 2 लाख टैप वाटर कनेक्शन अक्रॉस द स्टेट। 2 लाख टैप वाटर कनेक्शन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर करेक्ट गैस किया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में 2 लाख टैप वाटर कनेक्शन, 2 लाख से अधिक जल नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। अब वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं सबसे पहले, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आप लोगों को पता होगी भोपाल, यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदी बेन पटेल। इन मध्य प्रदेश 379 करोड़ रुपीस हैव बीन ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट्स ऑफ 16,844 बेनिफिशियरीज अंडर द मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल स्कीम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बेसिकली यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है संबल योजना। संबल योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से, और ये बेसिकली लेबरर्स को टारगेट करती है, और इसमें 379 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर किए हैं। कितने लोगों के खातों में? 16,844। अगला ऑप्शन था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। अब यहाँ पर इसका फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर जर्नलिस्ट। उड़ीसा हैज डिक्लेयर्ड द जर्नलिस्ट एज फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स। उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। यह योजना के तहत उड़ीसा ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है। तो गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की है? उड़ीसा की है। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के बारे में हमने लास्ट वीक में डिस्कस भी किया था, नो योर स्टेट में। हरियाणा में सबसे पहले कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ की सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर, सत्यदेव नारायण आर्य। तो इसको आप नोट कर लें। इनफैक्ट हरियाणा हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री एज पर द डेटा रिलीज बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी फॉर फेब्रवरी 2021 विथ 26.4 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार वास्तव में हरियाणा ने देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है, जो कि है 26.4। तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा में, ये भी एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पोताला नाच स्ट्रिंग पपेट्री इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पुतला नाच स्ट्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कठपुतली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आसाम। जो पुतला नाच स्ट्रिंग पपेट्री शो है वो एसोसिएटेड है आसाम से। अब यहां पर ये चारों जो स्टेट्स हैं इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेट था त्रिपुरा, सेकंड पर हमारा स्टेट था यहां पर सिक्किम, थर्ड पे हमारा स्टेट था यहां पर आसाम, और फोर्थ पर था अरुणाचल प्रदेश। ये चारों स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यहां की सीएम है बिप्लव कुमार देव। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है रमेश बैस।
सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। असम की बात करते हैं, असम की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के न्यूली अपॉइंटेड सीएम बने हैं हिमंता बिस्वा, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, और यहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम है यहाँ के बीडी मिश्रा। तो ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लें, और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गवर्नर और सीएम किस स्टेट के कौन कौन हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नो योर स्टेट। यहां पर हम नो योर स्टेट डिस्कस करेंगे, तो इस वीक हमारा जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में हम वन बाय वन फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु एक साउथ इंडियन स्टेट है हमारा, जिसकी कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है न्यूली अपॉइंटेड एम के स्टालिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के परस्पेक्टिव से। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। फेमस टेम्पल इन तमिलनाडु इंक्लूड मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, बृदेश्वर टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल इन रामेश्वरम। प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी अम्मन मंदिर, बृदेश्वर मंदिर और रामनाथ स्वामी मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें बृदेश्वर मंदिर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन नेशनल पार्क आर मेजर नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। मुदुमलाई, मुकुर्ती, किंडी, मन्नार की खाड़ी, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, सिचुएटेड इन तमिलनाडु। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु इन साउदर्न इंडिया, भरतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कुछ जानकारी थी नो योर स्टेट्स में हमारे स्टेट की। अभी तक हमने उड़ीसा, हरियाणा और तमिलनाडु डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपॉइंटमेंट जो कि इस वीक में हुए हैं रिसेंटली, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला अपॉइंटमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर। तो आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर बन गए हैं टी रवि शंकर, टी रवि शंकर, इसको आप याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिप्लेस किया है बीपी कानूनगो को। नेक्स्ट है हमारा एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटेक लाइफ इंश्योरेंस। कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी बन गए हैं महेश बालासुब्रमण्यन, महेश बालासुब्रमण्यन बन गए हैं कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के एमडी। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, पीवी सिंधु एंड मिशेल ली, पीवी सिंधु एंड मिशेल ली अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। बेसिकली आईओसी जो कि टोक्यो में होने वाला है, उसका एक बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन है, उसकी एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु और मिशेल ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, इन विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवॉर्ड एट द 11th दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2021। 11वें दादा साहेब फाल्के महोत्सव 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग गैस कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। मैं टाइमर आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जंगल किराए। जंगल किराए जो मूवी है, इस मूवी को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 11वें दादा साहेब फाल्के महोत्सव में, तो इसको नोट कर लें आप लोग, जंगल किराए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द मूरहेन योगा मैट डेवलप्ड बाय सिक्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम इज बेस्ड ऑन विच प्लांट? असम की 6 लड़कियों द्वारा विकसित मूरहन योग चटाई, यहां पर मोहनन लिखा है, ये मूरहन योग चटाई है, किस पौधे पर आधारित है? चार ऑप्शन है आप सभी के सामने,
आप सभी इसका आंसर गैस कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वाटर हेसेंथ, पानी जलकुंभी। तो आसाम की 6 लड़कियों ने जो ये मूरहन योगा मैट बनाई है, मूरहन योगा चटाई, वो किस प्लांट पर आधारित है, किस पौधे पर? पानी जलकुंभी, वाटर हेसेंथ। इसको आप लोग नोट कर लें, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मूरहन योगा मैट चटाई किस राज्य की 6 लड़कियों ने मिलकर बनाई है, तो वो आसाम है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स वन की बात करते हैं। यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट वन में, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ऑन मंडे ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ 12th एबोला आउटब्रेक विच किल्ड 6 पीपल इन ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नॉर्थ किवू। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर 12वें एबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की, जिसमें उसके पूर्वी प्रांत उत्तरी किवू में 6 लोग मारे गए थे। तो एबोला जो है, एबोला सबसे पहले जो आया था वो कॉन्गो में ही आया था, 1976 में पहली बार डिस्कवर हुआ था। और ये जो है, अब ये कंप्लीटली DRC जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एबोला आउटब्रेक अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा, फॉर्मर श्रीलंका प्लेयर एंड कोच नुआन जोयसा हैज बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर 6 ईयर आफ्टर एन ICC एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल फाउंड हिम गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग द ICC एंटी करप्शन कोड। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुवान जोयसा, नुवान जोयसा आपको याद रखना है, ये श्रीलंका के हैं जिनको ICC ने भ्रष्टाचार रोधी न्यायाधिकरण द्वारा ICC भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 6 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। सो बेसिकली यू हैव टू रिमेम्बर, नुवान जोयसा इज रिलेटेड टू विच कंट्री? श्रीलंका। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर इस वीक में जो जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनकी थीम्स भी देखेंगे। सबसे पहला है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, तो ये किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3rd of May। तो इसकी जो थीम थी वो थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इसको आप लोग नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मनाया जाता है 5 मई को। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सभी को इसकी थीम पता है तो आप लोग गैस करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी थीम आप लोग बताइए। तो इसकी थीम थी इस ईयर, वो आप लोग नोट करें, थीम थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। अस्थमा की गलतफहमियों को उजागर करना। तो हिंदी इंग्लिश जो भी आप याद रख सकते हैं याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट थीम थी, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7th of May को मनाया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, इसको आप लोग बस याद रखें 7 मई। इसकी कोई इंपॉर्टेंट थीम नहीं थी इस ईयर, इसलिए इसको सिर्फ हमें डेट को याद रखना है, 7th of May। विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 8th of May को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसकी थीम आप लोग गेस कीजिए, फिर मैं इसकी थीम आप लोगों को बताता हूं। तो इसकी थीम थी इस ईयर अनस्टॉपेबल।
इसको नोट कर लें आप, अनस्टॉपेबल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये मनाया जाता है 8 मई को। इसके पहले हमने रेड क्रॉस डे पढ़ा, वो भी 8 मई, और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी 8 मई। तो इसकी जो थीम थी इस ईयर की वो आप लोग याद रखें, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ये मैं यहां पर लिख देता हूं थीम, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो ये आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ COVID-19 डिसीज इन चेस्ट एक्सरेज। छाती एक्सरे में COVID-19 की रोग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस संगठन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आप सभी इसका आंसर गैस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइमर आपके लिए लगा रहा हूँ, आप इसका आंसर गैस कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ डीआरडीओ ने हाल ही में एक एल्गोरिथम डिटेक्ट किया है जिसके थ्रू चेस्ट एक्सरेज में COVID-19 डिसीज का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021, विच ऑर्गेनाइजेशन और विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरे मजबूत और 10वें सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए। चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, आप सभी ने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC जो है वो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021 में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली रैंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन LMO फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन एक स्थान से चिकित्सा ग्रेड तरल ऑक्सीजन LMO का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चार ऑप्शंस हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और गैस कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो कंपनी बन गई है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन, इसको आप लोग नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन नेवी फॉर शिपमेंट ऑफ कंटेनर्स फिल्ड विद ऑक्सीजन टू इंडिया। भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, आप इसका आंसर गैस कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ब्रिज सेकंड। सी ब्रिज सेकंड जो है समुद्र सेतु द्वितीय, ये जो है एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडियन नेवी फॉर द शिपमेंट ऑफ कंटेनर्स फिल्ड विद ऑक्सीजन टू इंडिया, समुद्र सेतु द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली हु वॉज गिवन द युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड। हाल ही में किसे युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शंस अवार्ड से संबंधित हैं, आप गेस कीजिए इसका आंसर, फिर सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर एविता फर्नांडिस। डॉक्टर एविता फर्नांडिस को मिला है युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर एविता फर्नांडिस। अब अदर ऑप्शंस यहां पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए गीता मित्तल। गीता मित्तल रिटायर्ड जस्टिस गीता मित्तल टू बी अवार्डेड एयरलाइन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। रिटायर्ड जस्टिस गीता मित्तल को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा अलाइन फर्स्ट ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मारिया रसा, मारिया रसा कन्फर्ड यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021 प्राइज। मारिया रसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अनुपम खेर, अनुपम खेर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अनुपम खेर को। ये अभी रिसेंटली किन्हीं मॉक टेस्ट में भी पूछा गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अनुपम खेर। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स टू की। अ रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 ब्रॉट आउट एनुअली बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बेंगलुरु हैज बीन रिलीज्ड। तो यहां पर क्या हुआ है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 की रिपोर्ट दी गई है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेस इनइक्वालिटी सारे सेक्टर्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस रिपोर्ट में। सेकंड हमारा यहाँ पर फैक्ट है द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन हैज लॉन्च द चेकमेट कोविड इनिशिएटिव टू हेल्प चेस कम्युनिटी अफेक्टेड बाय पेंडेमिक। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने महामारी से प्रभावित शतरंज समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल शुरू की है। तो ये दोनों फैक्ट आप नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड अ मैसिव नेशन वाइड कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग्स। आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस पाली हर्बल आयुर्वेदिक दवाओं को वितरित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान चलाया। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आयुष 64 और कपसुरा कुदीनेर ये दोनों कैंपेन चलाए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने टू डिस्ट्रीब्यूट पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 12। विच सिटी इज ऑन द टॉप इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021। Q1 मतलब क्वार्टर वन। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शंस हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शेंजेन। शेंजेन जो है वो एक सिटी है चाइना की। इसकी फर्स्ट रैंक आई है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में, और इंडिया से न्यू दिल्ली की रैंक इसमें है 32। तो ये आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज बीन अवॉर्डेड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। लॉरियस स्पोर्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। यहां पर लॉरियस की स्पेलिंग आप लोग सही कर लें, ये स्पेलिंग है इसकी। तो यहां पर मैं टाइमर सेट करता हूं, आप लोग इसका आंसर गैस कीजिए।
आप सभी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज होंगे यहां पर, बट इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल को मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। अब सेम क्वेश्चन इसके बाद हम स्पोर्ट्स वुमेन का डिस्कस करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन अवार्डेड द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग गैस कीजिए। यहां पर भी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बहुत क्लोज हैं, बट फिर भी आप लोग गैस कीजिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं टेनिस खिलाड़ी, इनको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021। तो ये दोनों अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, द R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। R21 मैट्रिक्स एम टीका जो हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? अगर आप लोग अभी अखबार पढ़ रहे होंगे तो ये आप लोगों ने देखा होगा, R21 ये एक वैक्सीन है। आप लोग गेस कीजिए इसका आंसर, ये किस रोग से संबंधित है? मैं टाइमर यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। R21 जो है, R21 मैट्रिक्स एम, ये मलेरिया की वैक्सीन है। इसको आप लोग याद रखें, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं कोविड से लेकर, लेकिन ये मलेरिया की वैक्सीन है। एक्स्ट्रा फैक्ट 3 की बात करते हैं। कामी रीता 51 इनकी एज है, फर्स्ट स्केल्ड एवरेस्ट इन 1994 एंड हैज बीन मेकिंग द ट्रिप नियरली एवरी ईयर। ये हर साल माउंट एवरेस्ट की ट्रिप करती हैं। नेपालीज क्लाइंबर स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 25th टाइम ऑन फ्राइडे, ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। 51 वर्षीय कामी रीटा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतेह किया था और तब से लगभग हर साल यह यात्रा कर रही हैं। नेपाली पर्वतारोही ने, मतलब कामी रीटा ने शुक्रवार को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई करने का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25th टाइम, 25 बार किसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। उनका नाम है कामी रीता। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है नेपाल। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास स्टार्टअप मॉड्यूलर हाउसिंग हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट कॉल्ड मेडिकैब। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो है मेडिकैब। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। तो अस्पताल का नाम क्या है? मेडिकैब। इसको आप लोग नोट कर लें। इंपॉर्टेंट बुक्स की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट किताब है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, जिसके राइटर है दीप हल्दर। यहाँ पे आप इसकी एक पिक्चर देख रहे हैं, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी रिटन बाय दीप हल्डर। तो इसको आप लोग नोट कर लें। सेकंड बुक है हमारी द बेंच, मेघन मार्कल। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट बुक लग रही है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। द बेंच, इसकी राइटर है मेघन मार्कल। थर्ड बुक है हमारी द टेल ऑफ द हॉर्स, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक बाय यशस्विनी चंद्रा। यशस्विनी चंद्रा की ये किताब है द टेल ऑफ द हॉर्स, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक। तो टाइटल है द टेल ऑफ द हॉर्स, याद रखें इसकी राइटर यशस्विनी चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रथम जहाज का नाम क्या है?
ये चारों ऑप्शन हैं, काफी कंफ्यूजिंग है बट फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मे फ्लावर 400। मे फ्लावर 400 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि नेम है फर्स्ट शिप इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, मे फ्लावर 400। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड द नेचुरल रेडियो सिग्नल फ्रॉम द प्लैनेट वीनस। निम्नलिखित में से किसने शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो संकेत की खोज की है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, गेस कीजिए इसका आंसर आप लोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब जो कि एक नासा का एक प्रोब है, इसने खोज की है शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो संकेतों की, जिसको आप लोग याद रखें, डिस्कवर्ड द नेचुरल रेडियो सिग्नल फ्रॉम द प्लैनेट वीनस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द वर्चुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी इन मई 2021। मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने आभासी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया? चार ऑप्शंस हैं, इसका आंसर आप लोग गैस कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पे टाइमर हम कम रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। तो अभी हाल ही में वर्चुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई, विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज वॉन द पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 टाइटल। पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर गैस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एशले बार्टी। एशले बार्टी ने पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 का टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन मई 2021 हु लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मई 2021 में जिसने खाद्य प्रसंस्करण PLIS FPI के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो इसके चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, जिसको भी पता होगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो इसका आंसर दे देगा। तो इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो मिनिस्टर हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास जिसको हम बोलते हैं, और फूड प्रोसेसिंग। ये तीनों के जो मिनिस्टर हैं हमारे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो इसको आप याद रखें। एक्स्ट्रा फैक्ट 4 की बात करते हैं यहां पर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हैज मेड एन ऑफर टू परचेस याहू फॉर $44.6 बिलियन, मींस $44.6 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने याहू को 44.6 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया है। तो आपको पता होगा याहू एक सर्च इंजन है गूगल की तरह, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने एक ऑफर दिया है। कैरिड बाय ह्यूज बैलून, नासा न्यू एस्थ्रोस मिशन विल यूज अ कटिंग एज टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व वेवलेंथ ऑफ लाइट डेट आर नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। विशाल गुब्बारे द्वारा ले जाया गया नासा का नया एस्ट्रोस मिशन
एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप का उपयोग करके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ये मिशन एस्थ्रोस मिशन ये किसने स्टार्ट किया है, नासा ने, और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है टू ऑब्जर्व वेवलेंथ ऑफ लाइट डेट आर नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड श्वास एंड आरोग्य लोन स्कीम्स फॉर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। निम्नलिखित में से किसने एमएसएमईज के लिए श्वास एंड आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की हैं? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिडबी। तो ये जो योजनाएं हैं श्वास एंड आरोग्य ये लॉन्च की हैं सिडबी ने। अब वन बाय वन हम ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड की, सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर आरबीआई की, थर्ड हम बात करेंगे सेबी की, और फोर्थ हम बात करेंगे यहाँ पर सिडबी की। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाएं कि इनके चेयरमैन कौन है, इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ पर हैं। मैं वन बाय वन बताता हूँ। नाबार्ड जो है वो फॉर्म हुआ था 1982 को फाउंड हुआ था, आरबीआई 1935, यहाँ पे सिडबी हुआ था 1990 और सेबी हुआ था 1992। अब नाबार्ड के जो हेड हैं वो हैं जी आर चिंतला, और आरबीआई के आपको पता होगा शक्तिकांत दास, सेबी के आपको पता होगा अजय त्यागी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे। इसके हैं एस रमन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो तीनों हैं इन तीनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिडबी का, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखें, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन स्नूकर हु बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द फोर्थ टाइम इन मई 2021? स्नूकर में मई 2021 में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने? तो आप सभी लोग इसका आंसर गैस कीजिए। तो टाइम खत्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मार्क शेल्बी। मार्क शेल्बी जो हैं वो बन गए हैं स्नूकर चैंपियन फॉर द फोर्थ टाइम इन मई 2021, मार्क शेल्बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, व्हाट इज MACS 1407 व्हिच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? MACS 1407 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, आप इसका आंसर गैस कीजिए। ये न्यू प्लेनेट है या एक वैक्सीन है? तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर मिसाइल या कोविड वैक्सीन सोचा होगा, बट जिन्होंने भी ऑप्शन यहाँ पर डी सोचा है वो सही है। इसका करेक्ट आंसर है सोयाबीन वेराइटी, एक सोयाबीन की किस्म है MACS 1407। तो ये अभी हाल ही में है खबरों में, तो ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, जो रेटिंग्स हैं जीडीपी रेटिंग्स जो एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं इंडिया की, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चेंज भी होती रहती हैं बट फ्यूचर में इनको हम और डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाउ मच रेटिंग गोल्डमैन सैक्स एस्टिमेट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? तो चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, गैस कीजिए। आपका गैस कितना वर्क करता है जीके में यहां पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11.1%। तो गोल्डमैन सैक्स जो है उन्होंने एस्टिमेट की है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की जीडीपी 11.1%। क्वेश्चन नंबर 25, एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग
एस्टिमेट्स हाउ मच इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब यहाँ पर बतानी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कितना अनुमान लगाया है। तो चार ऑप्शंस हैं, इसमें भी आप लोग गेस कीजिए, आपकी तिकड़मबाजी यहाँ पर भी बहुत काम कर सकती है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो आप सभी ने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9.8%। 9.8% S&P ने बताया है और गोल्डमैन सैक्स ने बताया है 11.1%। तो ये याद रखें। एक्स्ट्रा फैक्ट फाइव की बात करते हैं। सबसे पहले तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी विल बी स्वॉर्न इन एज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर अ थर्ड स्ट्रेट टर्म। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। तो तीसरी बार बन गई हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, परंतु ये जिस भी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, शुभेंदु अधिकारी से ये हार गई हैं और अब ये फिर से 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ेंगी और इनको वहाँ से जीतना जरूरी है, पर ये मुख्यमंत्री बन गई हैं। और यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं उनका नाम भी आप लोग याद रखिए, बिमन बनर्जी। विमन बनर्जी इनका नाम है, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन क्राइसिस, आनंद महिंद्रा रोल्स आउट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। ऑक्सीजन संकट में आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने शुरू की है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल। द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ गुरु तेग बहादुर 400 प्रकाश पूरब इज बींग सेलिब्रेटेड ऑन May 1 दिस ईयर। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व का पावन अवसर इस वर्ष 1 मई को मनाया जा रहा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि गुरु तेग बहादुर जी जो हैं, इनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है? रिसर्चर्स हैव फाउंड फॉसिल्स बोन फ्रेगमेंट्स ऑफ सॉरोपोड डायनासोर्स एज ओल्ड एज नियरली 100 मिलियन ईयर्स फ्रॉम एन एरिया अराउंड वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय। तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में हैं और यहां से शोधकर्ताओं ने 100 मिलियन वर्ष पुराने सारोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े पाए हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपके ध्यान में रहेगा तो एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। ये पाए गए हैं मेघालय के खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट से। अब बात करते हैं यहाँ पर फेमस पर्सन्स ऑबिचुअरी डेथ इन न्यूज दिस वीक, मतलब कुछ जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु पर हमें बहुत खेद है, परंतु ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किसकी मृत्यु हुई और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वो आप लोग देखते चलें। यहाँ पर कुछ मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हैं, आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो अभिलाषा पाटिल, इनका संबंध अभिनय जगत से था, ये एक एक्ट्रेस थी। कनुप्रिया, कनुप्रिया एक एंकर थी, एंकर जर्नलिस्ट आप दोनों बोल सकते हैं, ये दूरदर्शन में एंकरिंग करती थी। विक्रमजीत कन्वरपाल, विक्रमजीत कन्वरपाल इनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, उरी में आपने इनको देखा होगा और भी मूवीज में देखा होगा। ये एक मेजर भी रह चुके हैं आर्मी में और ये एक्टर भी हैं, तो इनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। इसके बाद चौधरी अजीत सिंह, इनका संबंध पॉलिटिक्स से था, आप इनकी यहाँ पर तस्वीर देख रहे होंगे। जनार्दन गहलोत, ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक कमेटी के, जनार्दन सिंह गहलोत। अनूप भट्टाचार्य, अनूप भट्टाचार्य आप देख रहे होंगे, ये एक म्यूजिशियन भी रह चुके हैं और फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम ऑफ इंडिया, अनूप भट्टाचार्य। तो ये सभी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स 2021 की रिपोर्ट जारी की है? चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इन चारों ऑप्शंस के हेडक्वार्टर कहां पर हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने जारी की है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कि कैपिटल है इटली की। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में,
और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द रोवर विच हैज जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन द मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उस रोवर का नाम बताइए जिसने पहली बार मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन उत्पन्न की है। चार ऑप्शंस हैं, इसका भी आंसर आप लोग गैस कीजिए। विक्रम है, क्यूरोसिटी है, परसिवरेंस है, प्रज्ञान है, तो यहां पर भी गैस कीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग यहां पर प्रज्ञान या विक्रम भी सोच रहे होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है परसिवरेंस। तो परसिवरेंस इज द रोवर विच हैज जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन द मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 28, विच सिंगर इज टू बी अवॉर्डेड द आइकॉन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। किस गायक को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। चार ऑप्शंस हैं, इसका भी आंसर आप लोग गैस कीजिए। ये सभी हॉलीवुड सिंगर हैं, आप सभी हॉलीवुड सॉन्ग्स भी सुनते होंगे सभी लोग। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पिंक। तो यहां पर सिंगर का नाम है पिंक, ये जो गुलाबी लिखा हुआ है ये यहां पे इनकरेक्ट है। द नेम ऑफ द सिंगर इज पिंक, जिनको ये अवार्ड मिला है 2021 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, जो हमने पिछले पार्ट 17 पार्ट्स में डिस्कस किए थे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए जो हमने पार्ट 17 में डिस्कस किए थे। जिन्होंने भी पार्ट 17 देखा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस विल द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, डे एंड थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2021। वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 की थीम और दिन बताना है आपको। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। हमने यहाँ पर टाइमर भी इंक्लूड किया जिससे आप भी गिव एंड टेक रिस्पॉन्स रहेगा। मैं क्वेश्चंस आपके लिए रखूंगा, आप चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और आपका भी यहाँ पर एनालिसिस होता जाएगा। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के सही हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज, पढ़ते रहिए। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें। लास्ट के टाइम पर कुछ लोग सोचते हैं करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, बट लास्ट के टाइम पर नहीं हो पाता है, बहुत सारा बर्डन रहता है। तो पैरेलली करंट अफेयर्स को पढ़ते चलें और मिलते हैं अगले पार्ट में। डू सब्सक्राइब टू SSC बाबा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैप्पी लर्निंग।